अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी जो है वो कॉलोनी की सफ़ाई करने जा रहा हूँ मैं। ये जो आप नीचे बजरी की कॉलोनी देख रहे हैं, इसमें जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो सफ़ाई नहीं करी है, तकरीबन 20 दिन हो गए। ये लूसन की डंडियाँ से जब पड़ी हुई हैं और कोने पे जो है इनके पर बहुत सारे और छिलके वगैरह भी हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा दिन को छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो फिर जो है वो चूटियाँ आ जाती हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितना कचरा वचरा है। तो चले दोस्तों इसको जो है वो डालते हैं थैली में, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये जो है अंदर की मैंने सफाई कर दी है। ये देखें आप, ये पूरा थैली भर के जो इसमें कचरा निकला, और आप अंदर देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब जो है वो दोस्तों इसको दाना डाल देता हूँ। ये मैंने पहले से जो है वो बना के रख लिया, तो ये डाल देते हैं ताकि ये लोग खा लें। कल भी इनको जो मैंने ज़्यादा नहीं दिया था, थोड़ा सा ही दिया था। और दोस्तों इनका पानी है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है वो मैं एक मेडिसिन आज यूज़ करा रहा हूँ, और वो मेडिसिन जो है वो ट्राइफेल है, क्योंकि दोस्तों कल जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा इनको जो है वो लूसन दे दिया था, बजरी को भी डफ को भी, तो कल दिया था। और तकरीबन दो दिन से, मतलब तीन दिन से दे रहा हूँ, लेकिन कल जो है वो बहुत ज़्यादा दे दिया था लूसन, तो इसलिए जो है आज जो है वो मैं ट्राइफेल मेडिसिन इनको पानी में यूज़ कराऊँगा कि मोशन ना लग जाए इनको। हर 10 दिन बाद जो है वो मैं इनको किसी दो दिन जो है वो मैं यूज़ करा देता हूँ ट्राइफेल मेडिसिन, सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे जो वो बर्तन निकाल लेता हूँ, ताकि सुबह के टाइम इनको प्यास लगे और जो ये पी लें। तो वो आपको दवाई दिखाता हूँ दोस्तों, ये रही, ये देख लें, इसमें लिखा हुआ है ट्राइफेल है 50 ग्राम की है। आज है 19 तारीख, आज दे रहा हूँ मेडिसिन, आज दे रहा हूँ, और 19 और 20 कल दूंगा ये दो दिन। फिर इंशाल्लाह पे जब अगली दफ़ा दूंगा तो वो मैं दूंगा अगले महीने की पहली या दूसरी या तीसरी, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, दोस्तों पहले जो है वो मैं इसमें मिला लेता हूँ पानी में, उसके बाद जो डालता हूँ फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। जी दोस्तों, इसमें जो है वो मैंने मिला दिया मेडिसिन, ये वाली ट्राइफेल मेडिसिन, और आप इसका कलर थोड़ा सा देख सकते हैं, आपको थोड़ा येलो लग रहा होगा, तो ज़्यादा नहीं मिलाता दोस्तों, ये इतने बड़े प्याले में जो है एक चुटकी मिलाता हूँ खाली, और हर 10 दिन बाद देता हूँ। तो दोस्तों चलें इसमें भी डाल देता हूँ, और ये कॉलोनी डब की है, ये उसका प्याला, इसमें मैंने थोड़ा सा मेडिसिन मिलाया, तो चलें दोस्तों इसको मैं डाल देता हूँ। तो जी दोस्तों, इसमें जो है वो सॉफ्ट फूड डालना है, खाना पानी भी मैंने डाल दिया है, पानी में मेडिसिन मिला दिया है, बाजरा भी दे दिया है। अब जो टाइम है वो सॉफ्ट फूड का है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सॉफ्ट फूड जो है वो मैं रेगुलर देता हूँ, चाहे डब हो, फिशर हो, या बजरी के कॉलोनी वाले हो, तो सबको देता हूँ। और लोशन जो है हर 10 दिन में एक दफ़ा डालें दोस्तों, पहले जो है वो मैं इसको डाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सॉफ्ट फूड जो है वो मैंने डाल दिया, ये देखिए सब जो है वो नीचे आ गए खाने के लिए। सुबह के टाइम दोस्तों देना भी चाहिए, अच्छा रहता है। और जो इसी तरीके से जो है वो मैं फिशर को भी डाल देता हूँ, और थोड़ा सा जो है वो डब को भी डाल देता हूँ, वो लोग भी खा लेती हैं। वो देखें दोस्तों, इसके ऊपर डाल दिया, ये लोग आके खुद ही चुपती रहेंगी, खाती रहेंगी। और थोड़ा सा जो है वो दोस्तों फिशर को डाल दूँगा, इनको कम ही देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी जो है इन्होंने कोई ब्रीड नहीं करी है, तो इसलिए कम देता हूँ। जिसमें ज़्यादा ब्रीड आएगी, को भी बच्चे हों, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा देता हूँ। तो ओके दोस्तों, बस यही आप लोग के साथ छोटी सी वीडियो शेयर करनी थी कि मैं कॉलोनी की सफाई करने जा रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ। सफाई भी कर दी है दोस्तों कॉलोनी की, और जो इनको दाना पानी भी दे दिया, सॉफ्ट फूड भी डाल दिया है, और एक ट्राइफेल मेडिसिन जो है वो काफ़ी टाइम, हर 10 दिन बाद मैं यूज़ कराता हूँ, तो वो भी सारे बर्ड्स को दे दिया, ताकि जो है इनके अंदर का सिस्टम, पेट वेट का सिस्टम, अंदरूनी सिस्टम जो है वो सही रहे। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।